करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का लेक्चर 1 है। जैसे रिडक्शन कराई थी वैसे ऑक्सीडेशन कराऊंगा, ठीक है, ताकि आपको याद है कौन सा रिएजेंट क्या क्या काम कर सकता है। अब देखो, सबसे पहले अगर आपने बेंजीन रिंग के ऊपर कोई साइड चेन लगी हुई है, कोई भी साइड चेन, ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है कि साइड चेन के ऊपर कम से कम, अल्काइल चेन की बात कर रहा हूँ, एक एच होना चाहिए बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर। इस जो बेंजीनिंग के साथ वाला कार्बन, वहां पे एक एच होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है। तो देखो, आप यहाँ पे चाहे आप क्या डाल दो, हॉट के एम एन ओ, अल्कलाइन के एम एन ओ फोर, या के टू सी आर टू एसिडिक के टू सी आर टू ओ सेवन पोटाशियम डाइक्रोमेट, चाहे ये डाल दो चाहे ये डाल दो, चाहे एसिडिक के टू सी आर टू ओ सेवन डाल दो अल्टीमेटली, या क्रोमिक एसिड डाल दो एच टू सी आर ओ फोर, ठीक है जी। तो आपने कुछ नहीं हीट करा, गर्म करा होगा, ठीक है। तो जो भी चीज़, जो भी साइड चेन लगी है उसकी जगह क्या लिख देना, सी ओ एच लिख देना है। जहाँ पे साइड चेन लगी थी वहाँ उसकी जगह सी ओ एच लिख देना। जैसे टॉलिन से बेंजोइक एसिड बना हो, अल्कलाइन के एम एन ओ फोर, या हीट किया हो, ठंडा ना हो, हीट किया हो, या एसिडिक के एम एन ओ फोर हो, एसिडिक के एम एन ओ फोर हो, पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिक, या एच टू सी आर ओ फोर एसिडिक। एच टू सी आर फोर तो थोड़ी क्रोमिक एसिड ही है, तो वो खुद और हीट किया हो, तो साइड चेन को की जगह सी यू एच लिख देना है। ये जो मर्जी हो उसकी जगह सी यू एच ही लिखा, जितना जितनी मर्जी लंबी हो जाए, तो ये सी यू एच, इसका भी सी, जितने भी हो उसको, बस देखना क्या है कार्बन पे एच है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखो, इस ये टर्शियरी मेटल के ऊपर यहाँ पे अगर कुछ इस कार्बन के ऊपर एच नहीं होगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। वाई इसके साथ नहीं, किसी के साथ भी, क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये एच उखड़ता है, बेंजाइलिक एच उखड़ता है, यहाँ से एच उखड़ता है जब मैकेनिज्म चलता है। इसीलिए टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन की अगर आप रिएक्शन लगाओगे तो नो रिएक्शन, ठीक है। साइड चेन ऑक्सीजन सिमिलर टू बेंजाइलिक है, बिकॉज द फर्स्ट स्टेप द ऑक्सीजन एजेंट एब्स्ट्रैक्ट्स बेंजाइलिक हाइड्रोजन, वंस ऑक्सीजन इज बिगन एट द बेंजाइलिक इट कंटिन्यूज एट द साइड, अल्टीमेट ऑक्सीजन एजेंट ऑक्सीजन द बेंजाइलिक कार्बन टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड इन द प्रोसेस इट क्लीव्स ऑफ रिमेनिंग कार्बन एटम्स ऑफ द साइड चेन। टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन इज रेजिस्टेंट टू साइड चेन ऑक्सीजन, व्हाई? ये बता दिया क्यों, क्योंकि यहाँ पे एच नहीं है, बड़ा ये चीज हो गई। कुछ भी इथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है, ठीक है जी। इसके अलावा कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। और आपके दिमाग में है क्या भाई साहब, कि सिर्फ वो अल्काइल चेन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो उसको नहीं करेगा, उसको भी कर देगा जी। देखो अल्काइन्स, ये एसिटोफिनो एसिटो ग्रुप लगा हुआ, चाहे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ, कुछ भी लगा हुआ, उन सबको किसमें कन्वर्ट कर देगा, सी ओ ओ एच में। उसकी जगह क्या लिख देना है, इनकी जगह क्या लिख देना है, सी ओ ओ एच, ठीक है जी। दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी कौन से, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि रिंग पे सीधा ही सी ओ एच ग्रुप लगा होगा, बेंजोइक एसिड से बनाने हो आपने, ठीक है जी। नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना हो पैरा नाइट्रोटोलिन से, तो इसमें अब मेरे को तुमको बताने की जरूरत है, तो क्या करोगे, अगर के एम एन ओ फोर डाला हुआ, हीट करा हुआ, तो आप क्या देखोगे, ओ एच एसिडिक हो या बेसिक हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपने कुछ नहीं करना, इसकी जगह क्या लिख देना है, बेंजोइक एसिड, पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड, क्लियर है। अब आप सोचो किस तरह, ये ग्रुप अगर इसको कर रहा है तो अल्टीमेटली आपको पता है सेकेंडरी अल्कोहल पहले कीटोन में कन्वर्ट हो जाती है, कीटोन फिर आगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट डाला हुआ है। तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, बात क्लियर हो गई। इसको भी कर देगा, ये लो, जैसे टॉलिन की नाइट्रेशन करी, ऑर्थो प्रोडक्ट बना, पैरा प्रोडक्ट बना, अब इसकी एसिडी, अब इसकी क्या कह रहा है, इसकी जगह लिख देंगे सी यू एच, इसकी जगह लिख देंगे सी यू एच लिख देंगे, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। चलो, इम्पोर्टेंस ऑफ रिएक्शन, अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन एसिड ना बनाए, हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप बन जाए, क्या बन जाए, एल्डिहाइड ग्रुप बन जाए, ठीक है, यहाँ तक ही रिएक्शन हो जाए, तो आपके पास दो तीन तरीके हैं। सबसे पहले तो आपको पता है टॉलिन के ऊपर क्लोरीन डाला, ये क्या डाला, हीट करा, तो कौन सा मैकेनिज्म चलेगा जी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलेगा, तो आपको पता रिएक्शन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जाएगा, ये दो बार डाला हुआ सी एल टू, तो यहाँ पर दो सी एल लग जाएंगे आगे, ठीक है जी। अब इसके आगे हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, आगे क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, बिकॉज अल्काइल हैलाइड शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये दो सी एल की जगह क्या आगे लग जाएंगे, दो ओ एच लग जाएंगे। अब एक कार्बन पे दो एच स्टेबल नहीं होते, ये वाटर निकल गया, एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मेथड, ये आप देखोगे कॉमन, ये वाटर की जगह आप उसने क्यू एच भी डाला हो सकता है, कुछ भी डाला जो कि ओ एच नेगेटिव दे सके। दिस स्टेप इज देखना, जो जो हमने करा ना कि अल्काइल लाइड से अल्कोहल बनाने हो तो वहाँ पे या क्वस क्यू एच कुछ भी, के टू सी ओ थ्री कुछ भी डाला हो सकता है वाटर, अगर ये दो सी, इसके बाद यही आंसर होगा, देख लेना, ठीक है जी। अगर ये चीज़ कोई ऐसी चीज़ लगी है जो ओ एच नेगेटिव दे सके, बट
एक दो मेथड और है, आप टॉलिन के की रिएक्शन लगा दो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन पेयर्स ऑफ क्रोमियम इन एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये पहले क्या हुआ, ये इन जो इन इसके दो एच उखाड़ दो, उसकी जगह ये ग्रुप एसीटेट ग्रुप इंसर्ट कर दो। क्या इंसर्ट कर दो, एसीटेट ग्रुप इंसर्ट कर दो। दिस इज एसीटेट ग्रुप, ये एसिटिक एनहाइड्राइड ये ग्रुप दे देगा, इसका मतलब ये ऐसे लग गया आगे। ये ऐसे करके लग जाएगा आगे। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे फिर एंड पे हाइड्रोलिसिस होगी जब इसकी होगी, तो आपके पास फिर से OH ग्रुप लग गए यहाँ पे आके दो, सॉरी यहाँ से वाटर निकल गया, तो अल्टीमेटली एल्डिहाइड ही बन गया, ठीक है जी। ये प्रेसिपिटेट कर जाता है, रिएक्शन में रहता नहीं, इसलिए रिएक्शन ये प्रेसिपिटेट हो गया, इसको अलग से बाहर निकाल दिया, तो आपकी रिएक्शन क्या होती है, एसिडिक एसिड स्टेज तक नहीं जाती, कहाँ पर रुक जाती है, एल्डिहाइड। ये प्रेसिपिटेट किया, इसको अलग से हाइड्रोलाइज कर दिया, तो ये बन गया। इसके बाद एक मेथड और होता है, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन लगा दो, जैसे CrO2Cl2, ठीक है जी। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ईटार्ड रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाना, ईटार्ड रिएक्शन नेम रिएक्शन, ईटार्ड रिएक्शन इसमें करना है आपने। अब जैसे ये होता है, ये भी जाके इन यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, यहाँ पे बाकी क्या बच गया, ओ एच, यहाँ से फिर एक सेम मॉलिक्यूल। अब ये भी क्या होता है, ये भी क्या कर जाता है, प्रेसिपिटेट आउट कर जाता है, ठीक है। तो इसकी आगे ये भी नीचे नीचे बैठ गया, प्रेसिपिटेट कर गया, तो बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, यहीं से टूटेगा, फिर से क्या बन गया, एल्डिहाइड, ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितने लगाने हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। देख लो आपको, अगर आपने सीधा ही क्या बोल दिया, एसिड बनाना है तो आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट यूज करने हैं, अगर आपने एल्डिहाइड ग्रुप बनाना है तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये जो प्रेसिपिटेट बनता है इसका कलर जो होता है ब्राउन होता है, ये भी एक होता है, ठीक है। नोट कर, बोलेंगे रिएक्शन लगाई, ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स बना, उसकी हाइड्रोलिसिस करी, फिर आपके पास क्या बना, टॉलिन, ठीक है जी, इसके ट्रीटमेंट करी दो, ठीक है, ये नोट कर लेना बात। अब अगर आपको बेंजाल्डिहाइड बनाना हो, ठीक है जी, साइड बेंजाइल क्लोराइड की ऑक्सीडेशन कर सके लेड नाइट्रेट के साथ, पहले आपको पता नाइट्रेट या ओके पर नेगेटिव चार्ज, उसने सब्स्टिट्यूशन करवा दी, फिर बात हाइड्रोलिसिस हो गई, तो आपके पास क्या बन गया जी, HNO2 बाहर निकला और बेंजल्डिहाइड बन गया। दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ बेंजल्डिहाइड, ठीक है। थोड़ा सा रिलेट करता था इसलिए यहाँ पे करवा दिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फिर। अब देखो जी, अगला है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। सबसे एक कॉमन मेथड होगा आपका, दिस इज यूजेस टेस्ट टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। कॉपर ट्यूब के अंदर हीट कर दो उसको, एल्कोहल को कॉपर के अंदर हीट कर दो 570 केल्विन पे। अगर 1 डिग्री एल्कोहल हो जाता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल हो जाता है कीटोन, ठीक है जी। और एक एच यहाँ से निकलना है और एक एच यहाँ से निकलना है, एक एच यहाँ से एक एच यहाँ से, ठीक है जी। अगर 3 डिग्री एल्कोहल, यहाँ पे एच ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन ही करेगा, अब बीटा एलिमिनेशन कर जाएगा, यहाँ से अल्कीन बन जाएगा, ठीक है जी। अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, इसलिए ये क्या हो सकता है, दिस कैन दिस इज यूज एज टेस्ट टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन विद कॉपर, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर कहता जी ये ऑक्सीडेशन 2 डिग्री एल्को, एक बात और आगे चलने से पहले मैं बता दूं तुमको, मैं वो ये कि अगर आप देखो 1 डिग्री एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे तो आपके पास ऑक्सीजन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, पहले बनेगी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फिर की फर्दर ऑक्सीडेशन हो गई तो क्या बनेगा, एसिड। यहाँ पे कुछ नहीं होना, इजी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन फिर से आ गई, डिपेंड करता है आपने ऐसे, अगर आपने सेकेंडरी एल्कोहल ली, तो पहली ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बन गया, कीटोन बनेगा सेकेंडरी एल्कोहल से, उसकी आगे फर्दर ऑक्सीडेशन क्या होती है, डिफिकल्ट होती है। अगर करोगे भी तो ये टूटेगी, ठीक है। अब
आर वाली साइड से टूटेगी या आर डैश वाली साइड से टूटेगी, वो डिपेंड करता है, बताता हूँ। दिस इज पॉप ऑफ रूल, पॉप ऑफ रूल, ये तोड़ेंगे तो अब आपको देखो क्या बनेगा, आर डैश सी ओ ओ एच जो इधर बचा उसका भी अल्कोहल एसीडी बन जाएगा, जो भी चीज होगी, ठीक है। इसका भी क्या बन जाएगा, इधर वाली साइड से भी एसिड बनेगा, इधर से भी एसिड बनेगा, ठीक है, नोट कर लेना, जो भी इसके अंदर जो भी ग्रुप होगा इसका। अब ये देखो, जब ये क्लीवेज हुई, यानी कि आपका जो एसिड बन रहा है अल्कोहल के मुकाबले में उसके कार्बन क्या होंगे, कम होंगे। कीटोन में सेम नंबर ऑफ कार्बन है, यहाँ पे एक दो तीन जो ये ग्रुप थे, अब यहाँ पे क्लीवेज स्टार्ट हुई है, तो एसिड विद कार्बन लेस देन अल्कोहल इज फॉर्म्ड व्हेन यू ऑक्सीडाइज अ कीटोन, क्योंकि कीटोन की ऑक्सीजन क्या होती है, डिफिकल्ट होती है। ये तो बात, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बट अगर टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीजन करोगे, पहली बात तो यहाँ पे जो कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीजन करोगे पहली बात तो होगी नहीं, ठीक है, इट विल नॉट हैपन, ठीक है। पहली बात अगर हुईगी तो वो भी किसमें, बड़ी स्ट्रांग एसिडिक कंडीशंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एसिडिक कंडीशन में साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला हुआ, तो फिर पहले वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, अल्कीन बनेगी, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीडेशन हुई तो यहाँ से क्लीवेज होगी, तो कीटोन में भी क्या बनेगा, ये पहले कीटोन बनेगा और दूसरी साइड से एसिड बन जाएगा, ठीक है जी। अब कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन वाला वही रूल, पॉप ऑफ रूल लगेगा, आगे अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करानी है तो उससे भी एसिड बन सकता है, ठीक है। तो पहली बात, अगर क्वेश्चन आया टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीजन हुई तो वहाँ पे होगा नो रिएक्शन, तो नहीं। अगर एसिडिक कंडीशन हुआ फिर बाद में आपने देखना, हाँ पहले मैं एल्कीन बनाऊंगा फिर बाद में उसकी मैं हाइड्रोलाइसिस कर दूंगा और तोड़ूंगा उसको, तो कीटोन बनेगा। कीटोन की अगर कीटोन तक जा सकता हूँ, अगर फर्दर ऑक्सीजन एजेंट डाला हुआ तो फिर जाके मेरे पास क्या बनेगा जी, दोनों साइड से, इधर वाली साइड से भी एसिड, इधर वाली साइड से भी एसिड। अब मैं सी ओ किसके साथ रखूंगा, आर डैश के साथ रखूंगा या आर के साथ रखूंगा, ये कौन सिग्निफाई करता है, पॉप ऑफ रूल सिग्निफाई करता है, ठीक है जी, क्लियर है। यहाँ मैं बता ही देता हूँ पॉप ऑफ रूल क्या कहता है, कहता अगर आप कीटोन की क्या करते हो, ऑक्सीडेशन करते हो अनसिमेट्रिकल कीटोन की, ऑक्सीडेशन करते हो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट जाए, माइल्ड ऑक्सीजन एजेंट से काम नहीं होगा, कि MnO4 हीट करा हुआ, ठीक है। तो आप देखना सी ओ जनरली किसके साथ रहेगा, छोटे वाले CH3 के साथ, छोटे वाले ग्रुप के साथ रहेगा। सी ओ जनरली लीव्स विद स्मॉल ग्रुप, दूसरी साइड से पे क्या बन गया, एसिटिक एसिड, इसका इसका भी सी ओ एच कन्वर्ट कर देना, CH3COH दोनों साइड से ये बन गया, अगर मान लो, क्लियर है, दिस इज कॉल्ड पॉप ऑफ रूल। जब CH3 के साथ जाता है छोटे वाले ग्रुप के साथ, तुम्हारा CO ग्रुप जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी करता हूँ ऑक्सीडेशन कीटोन की, इधर से बना एसिटिक एसिड, इधर से तीन कार्बन, तीन कार्बन वाला एसिड लिख दो, प्रोपेनोइक एसिड, बात क्लियर हो गई, ठीक है। कब, अगर मान लो भाई साहब इसकी कर रहा हूं ऑक्सीडेशन, तो अब ये इसके साथ चला जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, अगर इसकी ऑक्सीजन करता हूं तो अब, यानी कि जब भी कॉन्जुगेशन होगा तो कॉन्जुगेशन के साथ CO ग्रुप जाएगा, तो यहां से बेंजोइक एसिड बन जाएगा और दूसरी साइड से फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, क्लियर है जी। और फॉर्मिक एसिड बड़ा जल्दी ऑक्सीजन, इसका अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा, ठीक है जी, बहुत जल्दी ऑक्सीजन हो जाता है। फॉर्मिक एसिड बना किसी रिएक्शन में भी उसको अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट कर देना, किसी भी अगर रिएक्शन में, चाहे ओजोनोलिसिस में या किसी में भी, KMN ऐसे क्लीवेज में किसी में फॉर्मिक एसिड बन रहा है तो उसको अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट कर देना है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, क्योंकि फॉर्मिक एसिड की ऑक्सीजन बड़ी जल्दी होती है। अब ये देखो, ये इसके साथ जो, ठीक है जी, कॉन्जुगेशन में वो सी ओ उसके साथ चला जाएगा उल्टे वाली साइड पे, ठीक है जी, ये बात अब याद रखना, बता दिया। अब देखो, ये देखो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड डाला है किसके अंदर, H2SO सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन बन गया, आगे रिएक्शन नहीं किया क्योंकि इसकी ऑक्सीजन करनी बहुत डिफिकल्ट काम है। ये भी सोडियम डाइक्रोमेट डाला है एसिडिक कंडीशन, तो ये क्रोमिक एसिड डाला है, तो यहाँ पर भी सेकेंडरी अल्कोहल तो कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल तो कीटोन, ठीक है जी, क्लियर है। सेम काम आपका KMnO4 भी कर देगा, अल्कलाइन KMnO4 भी कर देगा, ठीक है जी। और लगी सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बन गया जी, कीटोन बन गया। अब ये देखो क्रोमिक एसिड विच इज फॉर्म्ड क्रोमियम एंड सोडियम डिसॉल्वड इन एक्वस
एसिड, ठीक है जी। अब प्राइमियल कोल था पहले, क्या बना, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से फर्दर ऑक्सीडेशन हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन यहीं तक, अगर आप देखो ये डिपेंड करेगा कि भाई साहब आपने अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजिंग एजेंट डाला है तो सीधा रिएक्शन यहाँ पे पहुंचेगा, SOA मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजिंग एजेंट। अगर आपने माइल्ड ऑक्सीजिंग एजेंट डाला है तो रिएक्शन यहीं पर होगी, दिस इज नॉट अ माइल्ड ऑक्सीजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजिंग एजेंट क्या होगा, K2Cr2O7, KMnO4, H2CrO4, ऐसी चीजें, दिस विल बी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजिंग एजेंट, ठीक है, जिनमें मतलब पानी डाला हुआ, ठीक है जी। क्योंकि देखो एसिडिक कंडीशंस है और एसिड में तो पानी होता ही होता है, यहाँ पे एसिड डाला हुआ ना इनके साथ, एसिडिक कंडीशन है तो एसिड में क्या होता है, पानी तो होगा ही होगा। तो आपने अल्टीमेटली रिएक्शन जो कहाँ पे रोकना है जाके, अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल के ऊपर ये चीज, ये सब चीजें डाल दी हैं, क्या डाल दी हैं, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड H2SO4, क्या डाल दिया है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड H2SO4, ठीक है, H2Cr2O7 प्राइमरी अल्कोहल, तो आपने रिएक्शन यहीं पे रोकना, बीच में नहीं रोकना, अंडरस्टूड है ये बात, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लिखा उसके साथ H2SO4 जो लिखा होना चाहिए, या एक्वस एसीटोन, ठीक है जी, क्योंकि ये होता है जोन्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट। प्राइमरी अल्कोहल इनके साथ रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल की कभी भी एल्डिहाइड पे नहीं रोकनी, कहाँ पे रोकनी है, एसिड पे, ठीक है जी। बिफोर वी फर्दर डिस्कस, देखो पहले देखो होता क्या कहता है जी, जो आपका मैकेनिज्म फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, पहले उसकी प्रोटोनेशन हुई यहाँ से वाटर डीप किया, अभी अल्कोहल यहाँ पे सबसे पहले बनता है क्रोमेट एस्टर, क्या बना है ये, क्रोमेट एस्टर, और क्रोमेट एस्टर में से, ठीक है, पहले अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके, पहले अल्कोहल के साथ आपका क्रोमिक एसिड रिएक्ट करके, ठीक है, H2CrO4 रिएक्ट करके क्या बनाता है आपका, क्रोमेट एस्टर, और क्रोमेट एस्टर में से क्रोमियम ग्रुप लीव करता है, एज यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट 6 है, तो यहाँ पे वो निकलता है 3 की फॉर्म में, ठीक है जी, क्लियर है जी। तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है फिर आपका, देखो 6 से इसकी ऑक्सीजन स्टेट किससे चेंज होती है, 6 से चेंज होती है 3 में, ठीक है। इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज कलर होता है, और ये जब ये जो निकलता है ग्रीन कलर, क्रोमियम 3 का कलर ग्रीन होते हैं, ठीक है जी। तो अगर यहाँ पे आपने चेक करना हो गिवन कंपाउंड में अल्कोहलिक ग्रुप है कि नहीं है, तो आप उसको रिएक्शन लगाओ, अगर वो रिएक्शन हो गया ऑरेंज कलर डिस्चार्ज चेंज हो गया ग्रीन में, तो यानी कि अल्कोहल अल्कोहल था उसमें, ठीक है। यही टेस्ट होता है जो आप, जो ड्राइविंग टेस्ट होता है ना, जब आप देखते हैं कहीं शराब पी के गाड़ी तो नहीं चला रहा, क्योंकि आपकी ब्रेथ में अल्कोहल आती है, अल्कोहल के वेपर आते हैं, तो वो क्या करता है, क्रोमिक एसिड, उसमें जो सोल्यूशन होता है क्रोमिक एसिड डाला होता है उसमें, तो ऑरेंज कलर का होता है। जैसे उसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है ग्रीन हो जाता है, इसका मतलब आपने शराब पी रखी है, ठीक है जी, क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रोमेट एस्टर जब बनाए, इसमें ये ग्रुप निकलता है बाहर, तो ये E2 एलिमिनेशन होती है, ठीक है जी। तो यहाँ ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्टीमेटली एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज द मैकेनिज्म। ऑक्सीजन इधर प्राइमरी और सेकेंडरी इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द कार्बन टू विच ऑक्सीजन। अभी देखो जब ये रिएक्शन हुआ, जिस कार्बन पे अल्कोहल के जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ था, वहां से H रिमूव हो रहा है, द कार्बन बेयरिंग द OH ग्रुप इन नॉट बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, सो द OH ग्रुप कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज टू कार्बोनिल ग्रुप। यही बात था कि टर्शी, मैंने बोला टर्शी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन क्या है, डिफिकल्ट है, ठीक है जी, बात क्लियर होगी। बनता क्या है, क्रोमेट एस्टर के थ्रू, ठीक है। अब देखो टर्शी अल्कोहल्स आर नॉट ऑक्सीडाइज एट ऑल अंडर अल्काइन कंडीशन, इफ एसिड इज प्रेजेंट फर्स्ट डिहाइड्रेशन टू अल्कीन टेक्स प्लेस, पहले अल्कीन बनेगी, इसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है, फिर उसकी क्या हो जाएगी, क्लीवेज हो जाएगी, तो यहाँ से क्या बना, कीटोन बना, दूसरी साइड से तो पहले से एसिड बन जाना, फॉर्मिक एसिड, CH2 ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड में, फॉर्मिक एसिड अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये बात नोट कर लेना, ठीक है। तब जो कीटोन बना इसकी फर्दर ऑक्सीजन होगी, तो ये टूटेगा, इधर से क्या बना है, एस्टिक एसिड, तो इधर से क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। CH2 अल्कोहल कीटोन विद फ्यूर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड फर्दर मिक्सचर ऑफ एसिड विद फ्यूर नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है जी। पहले जब आप CH2 अल्कोहल की करोगे तो कीटोन में भी कार्बन एटम लेस आएंगे, और कीटोन की अगर फर्दर ऑक्सीजन करोगे तो जो एसिड बनेगा उसमें भी कार्बन एटम क्या होंगे, लेस ही होंगे, ठीक है जी, क्लियर। ये सिर्फ पॉसिबल कहा है अगर आपका एसिडिक कंडीशन यूज की, अगर अल्कलाइन कंडीशन यूज किया तो रिएक्शन तो होना ही नहीं, नो रिएक्शन लिख देना, ठीक है जी। आगे देखते हैं, ये देखो
जोन्स रिएजेंट के साथ उन्हें दिखाया गया, ठीक है, ऐसा भी लिखा हो सकता है, और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड H2SO4 करके एसीटोन में डाला हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैकेनिज्म बिल्कुल क्या है सेम, ठीक है जी। 6 से किस में चेंज हो गया जी, +3 में चेंज हो गया, ठीक है जी, क्रोमियम, ठीक है। इसमें कितनी बन रही है H2CrO3 में, क्रोमियम की 6 और 4 बन रही है, अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो गया, Ca(CrO3) कंपाउंड, ऑरेंज, Cr6 इज ऑरेंज कलर, Cr3 इज ग्रीन कलर, सो द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इज इजी टू फॉलो बाय कलर चेंज, ये इसीलिए मैंने डाला है मैकेनिज्म, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी रिएक्शन जो है, अगर प्राइमरी अल्कोहल से आप रिएक्शन, आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो, तो आपके पास रिएक्शन क्या है, एल्डिहाइड पहले बनता है, जैसे आप अमृतसर से दिल्ली जा रहे हो, रास्ते में जलंधर भी आता है, अगर आप चाहते हो कि जलंधर पे गाड़ी ना रुके, ठीक है जी, सीधा ही दिल्ली पहुंच जाओ, ठीक है जी, दो तरीके, या तो आप दिल्ली पहुंच जाओ या बीच में स्टेशन में हो गया, माइल्ड ऑक्सीजन एजेंट डालोगे तो यहाँ पर रिएक्शन रुकेगा फिर, ठीक है जी। तो अब आप क्या करो, अगर आप माइल्ड ऑक्सीजन एजेंट डाल देते हो, माइल्ड ऑक्सीजन एजेंट का काम क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीजन एजेंट क्या जी, PCC, PDC, ठीक है जी, जोन्स रिएजेंट माइल्ड नहीं होता, जोन्स रिएजेंट माइल्ड नहीं होता, ठीक है जी, MnO2, ठीक है जी, N2O4, फील्ड्स मेथड, ठीक है जी, ये बेंजाइलिक और मतलब एल्कोहल्स के ऊपर ही काम करता है, ऑक्सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी बेंजाइल एल्कोहल्स, ठीक है जी। अब PCC वगैरह क्या करता है, इन सब की रिएक्शन जो होती है PCC PDC वगैरह के साथ, इसको छोड़ दो जोन्स रिएजेंट को, इसको, ठीक है, देखा ये माइल्ड नहीं है, दीज आर नॉट माइल्ड, वेरियस ऑक्सीजन एजेंट लिखे हुए थे तो मैंने एक्चुअली सीधे उठा लिया, दिस इज नॉट माइल्ड, दिस इज नॉट माइल्ड, क्योंकि जिसके जिसके अंदर एसिड डाला हो मतलब पानी में रिएक्शन है, ठीक है जी, PCC PDC MnO2, ठीक है जी। तो ये सब क्या करेंगे भाई साहब, ये क्या करते हैं, रिएक्शन को अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बना देते हैं, एल्डिहाइड तक रोक देते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी रिएक्शन होती है DCM में, डाइक्लोरोमीथेन, सॉल्वेंट क्या होता है डाइक्लोरोमीथेन, पानी नहीं होता इनकी रिएक्शन में, इसीलिए रिएक्शन कहाँ पे रुक जाता है, एल्डिहाइड पे, क्योंकि आगे रिएक्शन नहीं जाता, ठीक है, दिस इज द रीजन। अब पहले बताओ तो PCC क्या होता है, PCC इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीन लिया, पिरिडीन इज दिस, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लिया और HCl लिया, ठीक है जी, इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी तो पिरिडीनियम बन गया। अब यहां पे क्लोरोक्रोमेट, दिस इज योर पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है जी, PCC का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब 1:1:1 का मिक्सर होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इज 1:1 का मिक्सर, ठीक है, इनमें सब पिरिडीन, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और HCl, ठीक है, PCC इसमें क्या, इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड HCl एंड पिरिडीन, ठीक है, ये और क्या बोलते हैं भाई साहब, कोरेस रिएजेंट, इसको दूसरा नाम क्या था, PCC का दूसरा नाम क्या है जी, कोरेस रिएजेंट, ठीक है, क्लियर है। एक होता है कॉलिन्स रिएजेंट, क्वेश्चन आ जाता है कॉलिन्स रिएजेंट में क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, अब आप इसमें 1 मोल आपका क्या होता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, 2 मोल्स किसके होते हैं पिरिडीन के, ये फर्क है, इसमें सारी चीजें क्या है, 1:1 है, और बट यहाँ पे क्या है जी, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और 1 मोल है, और बट पिरिडीन उसके ट्वाइस डाली हुई, और सॉल्वेंट इसमें भी क्या है DCM ही है, इसमें भी सॉल्वेंट क्या है जी DCM ही है, ठीक है जी, क्लियर। चलो एक होता है सैरेट्स रिएजेंट, सैरेट्स रिएजेंट क्या होता है भाई साहब, आपने क्रोमियम ट्राइऑक्साइड डाल दिया पिरिडीन के अंदर ही, सैरेट्स रिएजेंट में क्या होता है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को डाल दिया किसके अंदर, पिरिडीन के अंदर ही, ये मतलब सॉल्वेंट क्या है पिरिडीन, सैरेट्स रिएजेंट बहुत पुअर है, क्योंकि वहां से अगर आपका जो कंपाउंड बनेगा उसको पिरिडीन में से निकालना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है जी, इसलिए कॉलिंस रिएजेंट थोड़ा सा बेटर होता है, ठीक है। एक PCC, अब PDC क्या जी, पिरिडीनियम डाइक्लोरो, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है जी, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है जी, PDC। अब ये यहाँ पे जोन्स रिएजेंट क्यों लिखा हुआ है, देखो आपने जोन्स रिएजेंट करोगे, जोन्स रिएजेंट क्या करता है भाई साहब, अगर आपका डबल बॉन्ड हुआ या ट्रिपल बॉन्ड कुछ दिया, अल्कीन अल्काइन ग्रुप हुआ, तो उनको कुछ नहीं कहता, ये सिर्फ किसको चेंज करता है, अल्कोहल पार्ट पे ही रिएक्शन करते हैं, ठीक है जी, ये जितने ही माइल्ड ऑक्सीजिंग एजेंट है ना, ये कुछ कोई भी डबल बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं कहता, ठीक है जी। सबसे अच्छा इनमें से मोस्ट सिलेक्टिव जो होता है MnO2 होता है, अगर आप क्वेश्चन आ जाए क्या, अगर आप क्या कर अलाइलिक अल्कोहल की ऑक्सीजन करना चाहते हो तो क्या यूज करोगे, MnO2 यूज करोगे, ठीक है जी, N2O4
सेकेंडरी और प्राइमरी बेंजैलिक अल्कोहल के लिए अच्छा फील्ड्स मेथड। ठीक है जी, ये बात आप याद करना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एलाइल अल्कोहल लिखिए, एलाइल अल्कोहल लिखिए, MnO2 एक्टिव MnO2। ठीक है जी, ये उसी टाइम बनता है H2SO4 के एक्शन से मैंगनीज सल्फेट के ऊपर। ठीक है जी, तो ये एलाइलिक अल्कोहल को बेंजाइलिक अल्कोहल के ऊपर। ठीक है जी, ठीक है कर दिया, ये सेकेंडरी कीटोन बना, प्राइमरी एल्डिहाइड बना। ठीक है, ये आपको समझाने की अब जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अब सीडिक अमोनियम नाइट्रेट भी क्या करता है, एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है इंटू एल्डिहाइड्स के अंदर। ठीक है जी, या तो एल्कोहल को करता है एल्डिहाइड के अंदर वन डिग्री इक्वल टू एल्डिहाइड, या आपका एरोमेटिक यानी कि टॉलिन से अगर आपने क्या बनाना हो, ये बनाना हो बेंजैल्डिहाइड बनाना, तो वहाँ पर भी आपका सीरिक अमोनियम नाइट्रेट चल जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, ये सीरिक अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है, इसमें सीडियम की ऑक्सीजन चेयर होती +4। ठीक है जी, ठीक है, अब देखो क्या करता है, कहता है इसका कलर क्या होता है भाई साहब, अब येलो होता है, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट का जो कलर होता है वो येलो होता है। ठीक है जी, अब अगर उसको अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, तो जब इसके साथ रिएक्शन करता है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है जी, इसलिए टेस्ट एज ए टेस्ट भी यूज होता है फॉर एल्कोहल्स, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट फॉर एल्कोहल। द फ्रेशी हैज येलो व्हेन फ्यू ड्रॉप दिस इन एडिड टू गिवन कंपाउंड और सॉल्यूशन ऑफ चेंजिंग फ्रॉम येलो टू रेड, दिस कंपाउंड कंटेन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप है कि नहीं है, एल्कोहलिक ग्रुप है कि नहीं है, आप ऐसे सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट कर सकते हो। ठीक है जी, साथ में अमोनियम नाइट्रेट बाहर निकल गया, अमोनियम नाइट्रेट बाहर निकल गया। ठीक है जी, क्लियर। अब मैंने जो बात बोला था, मैंने बोला था कि आप जो जिनमें एसिडिक जो एसिडिक कंडीशन में जो पानी में रिएक्शन होती हैं, वो एसिड अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो उनके साथ H2CrO4 के KMnO4 के साथ K2Cr2O7 के साथ CrO3H2O4 जोन्स रिएजन के साथ, तो रिएक्शन जो है एल्डिहाइड स्टेज तक नहीं रुकता, वो एसिड स्टेज तक चला। क्यों? कहता है एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड के हाइड्रेट बन जाते हैं, आपको पता है हाइड्रेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप पढ़ चुके हो। ठीक है जी, हाइड्रेट बनेगा और हाइड्रेट और भी जल्दी इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इसीलिए रीजन है कि जो PCC PDC वगैरह है वो रिएक्शन कहाँ पे रोक देते हैं, एल्डिहाइड स्टेज तक रोकते हैं, क्योंकि रिएक्शन क्लोरोफॉर्म डाइक्लोरोमीथेन में होती है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में होती है, वहाँ पर हाइड्रेट नहीं बनता। ठीक है जी, सी मैंने प्राइमरी ऑक्सीजन रिएक्शन कैन बी स्टॉप इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन पीरियड PCC PDC। ठीक है जी, इफ द वाटर इज नॉट प्रेजेंट द हाइड्रेट कैन नॉट बी फॉर्म। ठीक है जी, अब आपने KMnO4 के साथ अगर रिएक्शन लगाई है, तो उसके सारे मैकेनिज्म क्या है जी, सेम है। ठीक है जी, पहले आपका एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड बना रहेगा, फिर यहाँ पर मैंगनेट एस्टर बना, तो मैंगनेट एस्टर अल्टीमेट उसको किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा जी, किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा जी, क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, तो +7 से वो किसमें चलता है, 5 में चला जाता है। ठीक है जी, ठीक है, +7 से 4 में चला जाते हैं। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। हाँ नहीं, +7 से 5 में ही जाएगा यार, +7 से 5 में। ठीक है, आगे देखो, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PCC एंड दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडिनियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट आयन डाला पिरिडिनियम के साथ। ठीक है जी, क्वेश्चन आता है पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट का स्ट्रक्चर क्या है, तो क्लोरीन क्रोमियम ट्राइसाइड को रिएक्शन करके ये स्ट्रक्चर बनाता है पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है जी, हाँ जी, एक और मेथड होता है कि अगर आपने क्या बोला है अल्कोहल को एल्डिहाइड स्टेज तक ही लेके जाना, तो दैट इज स्वान्स ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, अब कहता है जो क्रोमियम PCC वगैरह हम यूज करते हैं, क्रोमियम 20 एक तो महंगे बहुत होते हैं, ऊपर से पोल्यूटेड होते हैं, टॉक्सिक बहुत, इसलिए उसकी जगह क्या यूज़ किया जाता है, स्वान्स ऑक्सीडेशन यूज़ करी जाती है। इसमें क्या होता है, DMSO यूज किया जाता है, ऑक्सीलाइल क्लोराइड। ठीक है, इसकी जगह कोई भी एसिड एनहाइड्राइड भी हो सकता है। ठीक है जी, एंड ट्राईथाइल अमीन यूज की जाती है। ठीक है, अब एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन नहीं होती, तो इसलिए क्या होता है जी, तो आपका रिएक्शन एल्डिहाइड स्टेज तक ही रुक जाता है। ठीक है जी, तो DMSO डाला हुआ है, ये डाला है ये, तो आपका प्राइमरी अल्कोहल से क्या बन गया, एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बन गया, कीटोन। ठीक है जी,
तो दिस इज स्वान्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीलाइल क्लोराइड डाला, डीएमएसओ के साथ कोई एसिटिक एनहाइड्राइड वगैरह कुछ और भी डाला सकता है, ठीक है जी। तो ये स्वान्स ऑक्सीडेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है स्वान्स ऑक्सीडेशन क्या होती है, ठीक है जी। आगे अब ये देखो मैकेनिज्म बोल देते हैं स्वान्स ऑक्सीडेशन का। पहले तो देखो आपका डीएमएसओ है वो ऑक्सीलाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ पे एसिड क्लोराइड है तो एसिड सब्स्टिट्यूशन करवा देगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है भाई साहब, ये क्लोराइड जो है इसके ऊपर अटैक करता है, तो यहाँ से ये निकला, ये क्या बन गया आपका अल्टीमेटली, क्या बन गया भाई साहब, CO2। तो ये अगर यहाँ से Cl निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO बाहर निकल गया, Cl नेगेटिव बाहर निकल गया, तो आपका क्या बन गया भाई साहब, ये बन गया, दिस इज योर डाई मिथाइल क्लोरोसल्फोनियम आयन, दिस इज द एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर पूछे डीएमएसओ ऑक्सीजन ऑक्सीजन में एक्चुअल ऑक्सीजन एजेंट कौन सा है, तो ये डाई मिथाइल क्लोरोसल्फोनियम आयन, ठीक है जी। अब आगे देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे अटैक करेगा, सी एल पा निकल गया, क्लियर। अब यहाँ से फिर से क्या होगा, यहाँ से चुखड़ा, ये इधर से इसकी प्रोटोनेशन के हिसाब से हो गई, चलो ठीक है, यहाँ से चुकड़ा, क्योंकि तो ये जब यहाँ पे अटैक करेगा तो ये अपना लोन पे यूज़ करेगा, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है जी, क्लियर। अभी यहाँ से एच पॉजिटिव यूज़ करा तो ये बन गया, अभी यहाँ ये निकला क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा और ये लीव कर जाएगा डाईमिथाइल सल्फाइड, क्योंकि तो अब क्या कर रहा है, डीएमएसओ की क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है इंटू डाईमिथाइल सल्फाइड, ठीक है। ये बेस क्या करता है, यहाँ से एच उखाड़ने का काम करता है, E2 रिएक्शन हुआ, ये देखो दिस इज स्वान्स ऑक्सीडेशन। आगे एक और रिएजेंट जो आप यूज कर सकते हो, क्या बोलते हैं एनबीएस, एनबीएस भी क्या करेगा जी, क्या करेगा, ऑक्सी प्राइमरी एंड प्राइमरी अल्कोहल्स एंड प्राइमरी अमीन्स टू एल्डिहाइड्स एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स टू कीटोन, एब्सेंस ऑफ लाइट होनी चाहिए, चेंज रिएक्शन नॉट रेडिकल, इट इन्वॉल्व अटैक ऑफ बाय पॉजिटिव ब्रोमीन, ठीक है, क्लियर। वन डिग्री अल्कोहल डाला हुआ तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल डाला हुआ तो कीटोन, इज इट ओके। चलो आगे चलते हैं, एक भाई साहब और एक रिएजेंट होता है सिल्वर कार्बोनेट इन बेंजीन, ठीक है जी, ऑनसिलाइड, इसको बोलते हैं फैटिजन्स रिएजेंट, ये भी करता है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है जी, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, वो तो बात आपको बताई उसको गलत, ठीक है। चलो अब इसके बाद आ जाती है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, अल्कीन्स की और अल्काइन्स की देखेंगे हम, ठीक है। आपने एक पढ़ा हुआ ओजोनोलिसिस, क्या पढ़ा हुआ है, ओजोनोलिसिस, ठीक है जी, ओजोन डाली होगी, उसके बाद वर्कअप, वर्कअप कैन बी रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव, ठीक है जी। अब जब ये टूटेगा यहाँ से, कोई भी अल्कीन हो तोड़ दो, तो सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो लिख देना, कोई भी स्ट्रक्चर हुआ तो, ठीक है। दो तरह का मैकेनिज्म, अब ये तो पहले तो तोड़ आंसर क्या है, ये आ जाएगा ऐसे लिख देना, पहले तो देखो जब ये ओजोन जाता है तो ओजोन इसके अंदर ऐड हो जाती है, ओजोनॉइड बनता है, क्या बनता है, ओजोनॉइड। अब ओजोनॉइड का क्या है भाई साहब, क्या बोलते हैं, या तो आप रिडक्टिव कंडीशंस में क्या करा सकते हो, क्लीवेज करवा सकते हो ऐसे तोड़ोगे, ठीक है, या आप उसको ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवा सकते हो H2O2 की प्रेस, ठीक है जी, क्लियर है। तो अगर आपका रिडक्टिव क्लीवेज किया आपने, यानी कि आपने क्या डाला हुआ है, ओजोन के बाद पहला स्टेप मान लो आपका अल्कीन था कोई भी, फर्स्ट स्टेप में उसने क्या डाला हुआ, ओजोन डाला हुआ, सेकंड स्टेप में उसने क्या जिंक वाटर लिखा हुआ या हाइड्रोजन पेयर्स ऑफ निकल लिखा हुआ है, या आपने क्या लिखा हुआ, जिंक इन पेयर्स ऑफ एसिड लिखा हुआ है, ठीक है जी। इन सब कंडीशंस में ये रिडक्टिव क्लीवेज है, इसमें आपका आंसर या तो एल्डिहाइड प्लस या दोनों एल्डिहाइड बनेंगे, दोनों साइड से एल्डिहाइड बन जाएंगे, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन, ठीक है जी। रिडक्टिव क्लीवेज में आंसर कीटोन और एल्डिहाइड, ठीक है जी, या आपने डीएमएस डाल डाईमिथाइल सल्फाइड डाला हुआ, क्या डाला हुआ, डाईमिथाइल सल्फाइड डीएमएस, ठीक है जी। इन सब कंडीशन में आपका आंसर क्या आएगा, सीओ के या एल्डिहाइड, एक साइड से अगर एल्डिहाइड बना दो, इधर से एल्डिहाइड बन सकता था एल्डिहाइड बना दो, इधर से कीटोन बन सकता है कीटोन बना दो, ठीक है जी। बट अगर आप उसी एल्कीन के ऊपर
फर्स्ट स्टेप में ओजोन लिखा हुआ, सेकंड स्टेप में सिर्फ वाटर लिखा हुआ। अब आपका आंसर क्या होगा? मान लो इसी की करवाते हैं, तो आपका तोड़ो इसको, तो ये आपका कीटोन तो बन गया। कीटोन की फर्दर ऑक्सीजन क्या होती है? डिफिकल्ट होती है। बट ये जो एल्डिहाइड बना है रिएक्शन, ये एल्डिहाइड अल्टीमेटली किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा? इनटू एसिड। ये नोट करना कि आपने ये H2O डाला हुआ है कि जिंक डाला हुआ। अगर अकेला H2O डाला हुआ तो फिर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। किस पार्ट का? एल्डिहाइड पार्ट, क्योंकि H2O क्या करता है, H2O पहले कन्वर्ट हो जाता है H2O2 में, तो वो H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो एल्डिहाइड को इजीली ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू एसिड्स। ये चीज है, दिस ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ठीक है जी, सीधा H2O2 भी लिखा हो सकता है, H2O भी लिखा हो सकता है। ठीक है, बात नोट करने वाली। अब देखो मैकेनिज्म देख लेते हैं पहले। अब ये टूटा, ये ओजोन क्या ऐड हो गया, तो पहले मोलोजोनॉइड बनता है। अब मोलोजोनॉइड में देखो, यहाँ पे एक ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है और एक ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो ये अनस्टेबल होता है, फिर ये टूट जाता है। ठीक है, फिर ये बाद में रीअरेंज होकर किसमें बनता है? ओजोनॉइड में। इसमें क्या है, एक ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, ये इसके मुकाबले ज्यादा स्टेबल है। ओजोनॉइड इज मोर स्टेबल कंपेयर टू मोलोजोनॉइड, इसलिए ओजोनॉइड। आप बोले क्या क्या बनता है? मोलोजोनॉइड भी बनता है, ओजोनॉइड बनता है, पहले मोलोजोनॉइड फिर बाद में ओजोनॉइड। ठीक है जी, देखो सी, ये ओजोन डाला, H2O2 डाला, देखो यहां से तोड़ा मैंने, इसको तोड़ा, कुछ नहीं कर, यहां पर तोड़ा, इसका लिख दिया मैंने, इससे क्या बन सकता है? CH3, CH2, C डबल बॉन्ड ओ एच, एल्डिहाइड। अभी एल्डिहाइड तक नहीं रुकेगा अल्टीमेटली, क्योंकि ये H2O2 डाला हुआ था, तो कहा ये किस में कन्वर्ट हो गया? एसिड में कन्वर्ट होगा। और इस पार्ट से CH3, CH2, COO, C डबल बॉन्ड ओ, CH3, यहां से कीटोन ही बनेगा। जहां पे डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड कार्बन होता है, वहां पे डबल बॉन्ड ओ लिख देना है। इन शॉर्ट आपका आंसर मिल जाएगा आपको। आपने एल्डिहाइड वाले पार्ट का एल्डिहाइड लिखना है कि एसिड बना देना, वो डिपेंड करता है नीचे क्या डाला हुआ है, H2O डाला है कि H2O2 डाला है। अब देखो इसकी करी, ठीक है, अब ये रिएक्शन में देखो एल्डिहाइड बनेंगे, पहले एच लगा हुआ ना यहाँ पे, एक तो एक एच एल्डिहाइड बनेंगे। अब एच एल्डिहाइड आगे ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि मेथड क्या है, रिडक्टिवली DMS डाला हुआ है, तो यहीं पे रुक जाएगा रिएक्शन। ठीक है जी, अब ये जिंक वाटर यहां से तोड़ो, इधर वाली साइड से कीटोन बनेगा, इधर वाली साइड से एल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि एक एच है ना इसके ऊपर, एल्डिहाइड। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, खोल के लिख दिया उसने, कुछ नहीं करा। ठीक है, देखो सिंपल, ये क्या डालना है, रिडक्टिव क्लीवेज, तोड़ो दोनों साइड से एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड इधर से, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है जी, अब ये क्या, H2O2, इधर से फॉर्मेल्डिहाइड बना, फॉर्मेल्डिहाइड अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड में, ये भी एल्डिहाइड था, इधर से एल्डिहाइड, 1 2 3 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड, तो 4 कार्बन वाला एसिड लिख दो, H2O2 डाला हुआ है। ठीक है, अब ये देखो फिर से थोड़ा बेंजाल्डिहाइड था, इधर से बेंजोइक एसिड बन गया, इधर से प्रोपेनल बनना था, प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। ठीक, क्योंकि ये क्या डाला हुआ है, H2O2। अब ये देखो सिंपल, दो तरीके, जिंक के साथ क्या डाला हुआ है, एसिड डाला हुआ है, तो रिडक्टिव कंडीशन एच पॉजिटिव निकाल सकता है वहां से, तो रिडक्टिव क्लीवेज है। तो अगर इसमें करा, तो यहां से तोड़ा, तो यहाँ पे एच है, यहाँ पे क्या है, एच है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे इस कंडीशन में एल्डिहाइड लिखने हैं, ओजोन डाला, सिर्फ वाटर डाला है। अब वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर अल्टीमेटली चेंजेस टू H2O2, तो वो किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा? इसमें इसको जो एल्डिहाइड बने हैं इनको किसमें लिख दो? एसिड में लिख दो, 4 कार्बन एसिड लिख दो। ठीक है जी, ये नीचे जरूर देख लेना, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करी है कि रिडक्टिव क्लीवेज करी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता होता है। क्यों? अब देखो ये देखो, ओजोनाइट कैन बी रिड्यूस्ड विद जिंक एसिड, हाइड्रोजन निकल, ट्राइफिनल, इन सब के अंदर आपने एल्डिहाइड आंसर ही लिख के आ रहा है, कीटोन गिविंग एल्डिहाइड्स एंड एल्डिहाइड्स एंड और कीटोन्स। ठीक है जी, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड डाला तो अल्कोहल लिख देना, क्योंकि वो क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडिंग एजेंट है, जो एल्डिहाइड कीटोन बने हैं उनको किसमें रिड्यूस कर देंगे? एल्कोहल्स में। अगर भाई साहब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कब होनी है? जब आपने क्या डाला हुआ, हाइड्रोजन परऑक्साइड डाला हुआ, दिस इज ऑक्सीडेटिव क्लीवेज।
ठीक है, ऑक्सीडेटिव वर्कअप है कि रिडक्टिव वर्कअप है, सॉरी क्लीवेज नहीं बोलेंगे, वो तोड़ तो रहा ही है, दिस इज ऑक्सीडेटिव वर्कअप, वो रिडक्टिव वर्कअप। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड डाला, पर इससे डाले हुए सिल्वर ऑक्साइड, और इनकी प्रेजेंस में जो एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड ग्रुप में, एल्डिहाइड चेंजेस टू एसिड, बट कीटोन को कुछ नहीं होता। ठीक है, ये बात आपने नोट कर ली हुई है, आई होप ओजोनोलिसिस क्लियर। ओजोनोलिसिस का फायदा क्या है, इससे उल्टा आंसर, मतलब देखो कोई चीज थी मान लो, इट हैज गॉट वेरी इंपॉर्टेंट सिंथेटिक यूटिलिटी, फॉर एग्जाम्पल कहता जी कोई अल्कीन थी, अल्कीन थी, जब उसकी ओजोनोसिस करी उसने हमको बेंजल्डिहाइड दिया और एसिटोफिनोन दिया, बेंजल्डिहाइड दिया और एसिटोफिनोन दिया, तो कहता है बताओ स्टार्टिंग अल्कीन क्या थी, भाई जहां पे डबल बॉन्ड ओ लगे थे ना वहां उनको उनको हटा दो, उनको आपस में जोड़ दो, यू विल गेट द आंसर, दिस वाज द स्टार्टिंग अल्कीन। मतलब आप प्रोडक्ट से क्या बता सकते हो, स्टार्टिंग अल्कीन की स्ट्रक्चर पता कर सकते हो। ठीक है, दिस इज दी एडवांटेज ऑफ ओजोनोलिसिस रिएक्शन, यू कैन टेल स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम प्रोडक्ट। ठीक है जी, अब देखो सेम रिएक्शन आप परमैंगनेट के साथ भी क्लीवेज करवा सकते हो। ठीक है जी, अल्कलाइन होना चाहिए परमैंगनेट, के एम एन ओ फोर अल्कलाइन होना चाहिए और हीट करना चाहिए, अगर एसिडिक है तो वैसे ही चल जाए, हीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अगर अल्कीन के ऊपर डाला है तो ये तोड़ दो यहां से, इधर वाली साइड से क्या बन सकता है, कीटोन बन गया, देख रहा ना, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ। अब ये सी एच ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करता है, सी ओ एच में, क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट है, एल्डिहाइड बना तो अल्टीमेटली किसमें ऑक्सीजन होगा, एसिड में। ठीक है जी, अगर तो आपने देखो एसिड नहीं डाला तो आपने पोटेशियम सॉल्ट की फॉर्म में लिखा ना, पहले बात बोल रहा हूँ, जब तक यहाँ पर डाइल्यूट एसिड नहीं डाला हुआ, अगे फर्स्ट स्टेप में ये, सेकंड स्टेप में डाइल्यूट एसिड एच थ्री ओ पॉजिटिव डाला हुआ, तो फिर आपने इसको लिखना है सॉल्ट एसिड की फॉर्म में। अब ये देखो इधर से थोड़ा ये सी एच बी एसिड में कन्वर्ट होगा, इधर से प्रोपेनोइक एसिड बन गया, इधर से फॉर्मिक एसिड बना, फॉर्मिक एसिड अल्टीमेटली किसमें ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, पहले ही बोला था जब भी ऐसा होगा। ठीक है, यानी कि सी एच टू किसमें कन्वर्ट कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, इसको अब करो यहाँ पे कीटोन लिख दो और इसको फॉर्मिक एसिड में, फॉर्मिक एसिड अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। अल्कलाइन कंडीशन के एम एन ओ फोर है तो हीट कराना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है बेयर्स रिएजेंट, वो क्या करता है, जिसमें आपने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, बेयर्स रिएजेंट कहता है अल्कलाइन के एम एन ओ फोर होता है, बट हीट नहीं कराना चाहिए, यानी कि सिर्फ रूम टेम्परेचर, ऐसे कुछ ना लिखा होता, फिर आपने इसके करना था, अगर हीट ना करा होता फिर आपने ये लिख देना था, जेम डायोल्स बनते थे, बेयर्स टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन आप कर चुके हो, मैंने आपको कराया है, वहां पर हीट नहीं करा होता अल्कलाइन के एम एन ओ फोर में। ठीक है जी, पर्पल कलर डिस्चार्ज हो जाता है, एम एन ओ टू के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। ठीक है ना, देखो अब परॉक्सी एसिड एंड कोल्ड बेसिक के एम एन ओ ब्रेक ओनली पाई बॉन्ड ऑफ द अल्कीन, ओजोन एंड एसिडिक और हॉट बेसिक के एम ब्रेक बोथ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, ये नोट करने के लिए मैंने आपके लिए पॉइंट बना दिया है। ठीक है जी, वहां पे आप बेयर्स टेस्ट में अगर आपने जेम डायोल्स बनाए थे तो यहाँ पे हीट नहीं करा हुआ था, ये बात आपने नोट करनी है, एसिडिक के एमएनओ फोर सीधा तोड़ देगा, हीट करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद इट्स से बहुत ज्यादा वो हीट जनरेट कर लेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, सी पर एसिड डाला है तो आपका इपोक्साइड बनता है, और ये क्या रिडक्टिव क्लीवेज आ गई। ठीक है, इसको तोड़ोगे कीटोन एक तरफ से एल्डिहाइड, ये क्या कर दिया, अब ये समराइज करा मैंने जो भी अभी तक हमने पढ़ा क्लीवेज के अंदर, इसको तोड़ा, अब ये पहले बना इधर वाली साइड से एल्डिहाइड बना दो, इसको एसिड में लिख दो क्योंकि कीटोन तो वैसे ही रहेगा, ये एल्डिहाइड ये इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि एच टू ओ टू डाला हुआ है, के एम एन ओ फोर एसिडिक, के एम एन ओ फोर एसिडिक डाला है, इसके अंदर आंसर क्या बनेगा, इधर वाली साइड से तो कीटोन बनेगा, इधर वाली साइड से एसिड लिख दो, दो कार्बन वाला। ठीक है जी, अब के एन ओ फोर बेसिक है बट क्या है जी, हीट भी करा हुआ है, तो यहाँ से इधर से फिर से इसकी कंडीशन में भी क्या बनेगा भाई साहब, अब एसिड नहीं, पहले पोटाशियम सॉल्ट की फॉर्म में लिखेंगे जब तक एंड में डाइल्यूट एच थ्री ओ पॉजिटिव नहीं पड़ जाता। अब देखो के एम एन ओ फोर डाला है, अल्कलाइन है, बट इस कंडीशन, इसमें कंडीशन में क्या है, कोल्ड लिखा हुआ है, मतलब हीट नहीं लिखा हुआ, मतलब जेम डायोल्स बन जाएंगे। ठीक है जी, आगे एच आई ओ फोर के कहता है जेम डायोल्स को क्लीव कर देता है, ये बात तो अलग है, यहाँ से क्या बन सकता है, एल्डिहाइड बन सकता है, इधर से क्या बन सकता है, कीटोन बन सकता है, ये हम आगे एच आई ओ फोर की मैंने आपको अलग से सेकेंड, इसके जो ऑक्सीजन लेक्चर सेकेंड है वहां पे समझाऊंगा, सिलिनियम डाइऑक्साइड, एच आई ओ फोर और
क्या बोलते हैं, लेड टेट्राएसीटेट कैसे काम करते हैं। अब ये क्या डाला, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड डाला, फिर ये भी जेम डायोल बनाता है, सिन डायोल्स है ना, तो ये भी आगे टूटा, तो इसका आंसर भी क्या है, सेम है। ये वाला पार्ट हमने अभी स्टडी करना है कि जेम डायोल्स की क्लीवेज कैसे करता है HIO4, ठीक है जी। अब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्काइन, अल्काइन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कहता है अगर आपने भाई साहब क्या बोला कि MnO4 डाला है अल्कलाइन, तो बस दो पाई बॉन्ड तोड़ दो, सीओ सीओ लिख दो, ठीक है। बट अगर ओजोनोलिसिस करी है ना, ओजोनोलिसिस करी है, तो आप तीनों ही बॉन्ड तोड़ दो, एसिड ग्रुप लिख के आ जाना, ठीक है जी, क्लियर है, इसको तोड़ दो, ठीक है। इधर ऐसे ऐसे फॉर्मिक एसिड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अल्काइन्स आर ऑक्सीडाइज टू डाइकेटोन्स बाय बेसिक सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर, हीट नहीं करा हुआ देख लो, एंड आर क्लीव्ड बाय ओजोनोलिसिस, नीदर ऑक्सीडेटिव नॉर रिडक्टिव, इट इज फॉलोड अप, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन फ्रॉम CH ऑफ द टर्मिनल अल्काइन, ठीक है जी। अब ये देखो ओजोनोलिसिस करी है, तोड़ दिया, इधर से भी एसिड इधर से भी एसिड, ठीक है जी। अगर KMnO4 हीट करा हुआ साथ में, ठीक है जी, इसको एसिड, अल्कलाइन KMnO4 हीट कर दिया, इसको तोड़ो तो एसिड लिख के आओ, KMnO4 एसिडिक कंडीशन हीट करा है तोड़ दो, यहां से एसिड लिख के आओ, KMnO4 अल्कलाइन हीट करा है, यहां से क्या बना है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, ये अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो गया, पहले सॉल्ट बनना था बट सेकंड स्टेप में HCO पॉजिटिव डालता हूँ, मैं सॉल्ट लिखूंगा, मैं इसका भी क्या लिखूंगा, एसिड लिखूंगा, क्लियर है जी। तो अब ये क्या है जी, इन रिएक्शंस का फायदा है, देखो भाई साहब अगर तो आपने हीट करा हुआ ना, मैं फिर से बात बोल रहा हूँ, अगर इस रिएक्शन में आप हीट कर देते हैं ना, तो ये इसको भी तोड़ देता, तो एसिड ही लिख के आते आप, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो ये इनका भी फायदा है, क्योंकि यू कैन टेल स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है जी। मान लो कहता जी अगर आपने भाई साहब क्या बोले हैं कि MnO4 हॉट के साथ ट्रीटमेंट करा है, एक अल्काइन का, जैसे अल्काइन का KMnO4 हॉट के साथ ट्रीटमेंट करा है, तो बताओ उससे बन रहा है, हमारे पास बन रहा है भाई साहब दो मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड बने हैं, एसिटिक एसिड बने हैं, तो यहाँ पे भी CH3 होना चाहिए, यहाँ पे भी CH3 होना चाहिए, तभी 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड बनेंगे, ठीक है। ओजोनोलिसिस के बाद 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड दे रही है अल्काइन, तो आप कैसे चेक करोगे कौन सी स्टार्टिंग अल्काइन कौन सी होगी, ठीक है जी। आपको पता है सी चीज को, अगर सी हो, सी के ऊपर आर हो, इस सी को CH में लिख देते हैं, और ये जो भी होगा उसके हिसाब से जो सी COH वाला है उनके बीच में सी ट्रिपल बॉन्ड सी बना देना, ये आपका आंसर है, यानी कि जो सी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वाले कार्बन थे उनकी जगह आपने क्या लिख देना, उनको आपस में जोड़ देना है, बाकी जो पीछे आर आर लगा वो लगा रहने देना है, ठीक है जी, ये आप याद रखना, इससे आप अल्काइन जो प्रोडक्ट बना है वहां से। अब बोलो कहता जी एक एक मोल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और एक मोल बनता है जी भाई साहब किसका, क्या बोलते हैं, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का, एक मोल बन रहा है किसका, एसिटिक एसिड का, किसका बन रहा है जी, एसिटिक एसिड का, तो अल्काइन का स्ट्रक्चर बता दो। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कहाँ से बनी होगी, फॉर्मिक एसिड से, तो CH होगा, ठीक है जी, तो CH अल्टीमेटली फॉर्मिक एसिड से बनी होगी, तो CH को अगर ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ देना है, आगे एसिटिक एसिड बोला है दूसरी साइड पे, तो एसिटिक एसिड में से क्या बचता है, कहते हैं जी कोई अल्काइन थी, उसकी जब आपने हॉट KMnO4 के साथ ट्रीटमेंट करी, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बना और एसिटिक एसिड बना, ठीक है जी, ट्रीटमेंट के बाद, ठीक है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा फॉर्मिक एसिड में से, ठीक है, और एसिटिक एसिड बना होगा मैंने बोला सी की ये लिख देना, इसकी अभी CH लिख देना है, इनको जोड़ देना है, तो दिस इज योर स्टार्टिंग अल्काइन, तो प्रोडक्ट यू कैन टेल द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टार्टिंग अल्काइन। अब भाई दो तीन ऑक्सीडेशन रिएजेंट बच गए, वो मैं आपको सेकेंड लेक्चर में कराऊंगा, थैंक यू।